वह बिंदु प्रथम बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु, जैसे ये वस्तु है, वस्तु से अगर किरणें निकली, ठीक, किरणें निकली मतलब जिस बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर आकर मिल रही, ये किरण यहां से आई, ये किरण यहां मिली, तो ये जो बिंदु है देखो, ये किरणें निकली यहां से, इस वस्तु से किरणें निकली, किरणें निकली, निकलने के पश्चात परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, कोई घटना हुई, घटना के बाद ये जिस बिंदु पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही, वही क्या होता है? प्रतिबिंब। वही क्या होता है? प्रथम बिंदु का क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है प्रथम बिंदु का? प्रतिबिंब। तो हम लिखते कैसे होंगे? इसमें लिखने का तरीका हमारे पास क्या है? हमारे पास तरीका है कि जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन, जब प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद उसमें से किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें जब प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रथम बिंदु का मतलब इसका इमेज इसे कहते हैं। यहां से किरणें निकली, निकलने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही है, वह बिंदु उसका क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, प्रथम बिंदु का, क्योंकि यहां से निकल रही है तो इसी का इमेज तो देंगे। समझ लीजिए, प्रथम बिंदु का लिखते हैं ना, प्रथम बिंदु का लिखना पड़ेगा। कल समझ गए? तो ये है इमेज, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब। समझ गए क्या चीज है? हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब, डेफिनेशन लिखेंगे प्रतिबिंब। जले ना हो का चल, अब है ना, जल बंद कर, घाटा का वीडियो हटाओ। प्रतिबिंब क्या होता है भाई? प्रतिबिंब फिर से एक बार सही समझ लो, फिर दोबारा अपने आप परिभाषा तुम लिखोगे, परिभाषा मुझे बतानी पड़ेगी। प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, ठीक ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, वह प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। कार्य समझे भाई? और प्रथम बिंदु को क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। एकदम समझ गया, कांसेप्ट समझ गया है? तो जो प्रतिबिंब है भैया, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह प्रथम बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं। बात देखो, वहां बात से यह स्पष्ट हो गई है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर वास्तव में मिल रही है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही है, एक्चुअल मिल रही, रियल में मिल रही है, तो बनेगी रियल इमेज। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब।
अगर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत हो रही है एकदम एक्चुअल में, तो बनेगी रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण को अंग्रेजी बोलते हैं मिरर, क्या बोलते हैं? दर्पण वह एक पारदर्शी पृष्ठ होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, जिस पर एक तरफ तो कलई की होती है, जिस पर एक तरफ कलई कर दी जाती है, जिससे दूसरा पृष्ठ उसका क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। दर्पण ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, जिससे दूसरा तल स्वतः ही क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। भाई एक तरफ कलई कर दी, उधर प्रकाश गुजरेगा नहीं, एक ही तरफ अपने आप बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण क्या है, एक पारदर्शी, मतलब वो परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है जिसके एक तरफ क्या की रहती है, कलई की रहती है, जिसके एक तल पर कलई या लेपन बोलते है ना, कलई या लेपन किया रहता है। एकदम हम लोग सिंपल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे बस। जैसे ये कोई दर्पण है, इसमें एक तरफ क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, ये कलई कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, उसमें एक तल पर क्या रहता है, कलई किया रहता है। क्या किया रहता है, कलई किया रहता है। तो ये नीचे वाला तल क्या है, कलई किया हुआ तल है। क्या है, कलई किया हुआ तल है, कलई किया हुआ तल है। और ऊपर वाला कौन सा तल है, परावर्तक तल। परावर्तक पृष्ठ तल एक ही चीज है, यस, सतह भी एक चीज की, कोई दिक्कत नहीं। तीनों ही चीजें, परावर्तक तल पृष्ठ सतह, तीनों की चीजें, ठीक। इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो दर्पण, ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज। दर्पण क्या चीज है, एक परावर्तक पृष्ठ है या तल है या सतह है, जिसमें नीचे एक तरफ कलई की रहती है, ऊपर तरफ अपने आप, जब नीचे कलई कर देंगे तो ऊपर अपने आप क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ अपने आप बन जाएगा, क्योंकि यही इधर से कोई प्रकाश किरण जाना नहीं, ऊपर से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाएगी, बस काम कर दो। दर्पण हो गया, इसका दर्पण का हिसाब हो गया, ठीक है।